दिल्ली के नबी करीम इलाके में जयदुर्गा धर्मकाठी के पास स्थित एक फर्नीचर शोरूम में आग लगने की घटना सामने आई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने त्वरित कार्रवाई की। आसपास की इमारतों के शटर तोड़कर 44 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दौरान कोई भी जानहानि नहीं हुई और पुलिस की तत्परता से लोगों की जान बचाई जा सकी। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार आग लगने की सूचना मिलने पर 10 फायर टेंडर मौके पर भेजे गए, जिन्होंने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि अभी तक आग लगने की वजह और नुकसान का आकलन नहीं हो सका है। जांच की जा रही है और शोरूम में आग कैसे लगी और इसमें कितना नुकसान हुआ है। आगजनी की इस घटना में शोरूम में रखा सारा फर्नीचर जलकर राख हो गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई। सभी 44 लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और आग लगने के कारणों की तलाश की जा रही है। दिल्ली में पिछले महीनों भी आग लगने की घटना सामने आई थी। दक्षिण दिल्ली की जगबीर कॉलोनी में एक इमारत की पार्किंग में आग लगी थी, जो तेजी से फैल गई थी। इस घटना में इमारत की ऊपरी मंजिल में फंसे लगभग 2 दर्जन लोग आग में घिर गए थे। पिछली घटना में भी फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम किया। आग बुझाने में दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी और इस दौरान 14 लोग घायल हुए थे, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। हालांकि नबी करीम की ताजा घटना में समय पर मिले राहत कार्यों की वजह से सभी लोग सुरक्षित हैं। इस घटना से दिल्ली में आगजनी की घटनाओं को लेकर एक बार फिर सतर्कता बढ़ाने की जरूरत सामने आई है।